हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस मैटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स बल, उसके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु जब अशून्य वेग से गति करती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, कंडीशन आपको देनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर एक समान चाल से क्या करनी चाहिए? गति करनी चाहिए। सेकंड जो कंडीशंस है वो हम क्या कह सकते हैं कि वायु का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशन जो है वो क्या होगी कि यदि कोई वस्तु जमीन पे क्या करती है? चलती है। तो जमीन पे चलती है तो वहाँ पे घर्षण बल का जो मान है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो अशून्य वेग से क्या करती है? गति करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण जो है वो झड़क के क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्य करता है आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। और गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो क्या रहेगी? विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो क्या रहेगी? गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो धूल के कण जो थे वो क्या थे? विराम अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही हमने दरी को क्या किया? डंडे से पीटा। तो दरी किस में आती है? मोशन में आती है, गति में आती है वो। लेकिन धूल के जो कण है वो उस गति का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। इसी वजह से जो धूल के कण है वो झड़क करके क्या होते हैं? दरी से बाहर निकल जाते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बस की छत पर रखे सामान को बांधा क्यों जाता है? तो स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है कि बस की छत पे जो सामान रखा होता है उसको हम यदि किसी भी रस्सी से नहीं बांधेंगे तो सामान जो है वो क्या होगा? नीचे गिर सकता है। और इसका साइंटिफिक रीजन जो है वो क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन है गति का प्रथम नियम, जिसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है? मान लीजिए बस की छत पे क्या रखा है? सामान रखा है। और जैसे ही बस क्या करती है? अचानक से ब्रेक लगाती है। तो बस के साथ साथ सामान जो था वो क्या था? गति की अवस्था में था। वो अपनी गति की स्थिति को बनाए रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो वो उस गति में हुए परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। गति में हुए परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा, जिससे वो क्या होगा? आगे की ओर क्या होगा? खिसक जाएगा। इसके अलावा यदि जब किसी भी मोड़ पे जो बस है वो क्या होती है? घूमती है, तो सामान जो है वो किनारे की ओर जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 मीटर प्रति 20 मीटर सेकेंड में 400 मीटर की दूरी को क्या करता है? तय करता है। इसका त्वरण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके अलावा अगर इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल की भी हमें क्या करनी है? गणना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रक है वो पहाड़ी से क्या होता है? नीचे की ओर लुढ़कता है। और यहाँ पे 20 सेकेंड में कितनी दूरी को तय करता है? 400 मीटर की दूरी को तय करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रक के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो यहाँ पे कितनी गिवन है आपको? 400 मीटर। ट्रक के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है? 400 मीटर। और कितने समय में इस दूरी को तय करता है? 20 सेकेंड में। तो समय आपको यहाँ पे गिवन है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको ये गिवन है कि ट्रक जो है वो क्या था? विराम अवस्था में था। विराम अवस्था से वो पहाड़ी से क्या है? नीचे की ओर लुढ़कता है। तो विराम अवस्था में है, इसका मतलब ट्रक का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? यू बराबर जीरो। ट्रक का प्रारंभिक वेग क्या होगा? यू बराबर जीरो। तो यहाँ पे हम
कौन सा इक्वेशंस यहाँ पे काम में लेंगे, गति का दूसरा समीकरण जो हमें दूरी और वेग के बीच में संबंध को दिखाता है। तो दूसरा समीकरण जो है गति का वो क्या है स्टूडेंट्स, एस बराबर यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। यहाँ पे त्वरण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, दूरी आपको गिवन है कितनी 400 मीटर, प्रारंभिक वेग क्या है 0, टी आपको गिवन है कितना 20 सेकेंड, प्लस 1/2 ए आपको फाइंड करना है, टी का जो मान है वो कितना है स्टूडेंट्स 20। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो 20 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, 400 इज इक्वल टू 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 1/2 इंटू में क्या है ए इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 200 बार। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या आया 200 ए इज इक्वल टू क्या हो गया 400, ए इसके मल्टीप्लाई में तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 400/200, और फाइनली अपना आंसर क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पूछा है कि यदि जो ट्रक है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 7 टन है, तो उस ट्रक पर लगने वाले बल का मान आपको पूछा है। तो स्टूडेंट्स बल बराबर क्या होता है गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है MA। तो यहाँ पे F आपको पूछा गया है, M कितना स्टूडेंट्स 7 टन, कितना है 7 टन। तो 7 टन का मतलब 1 टन में कितना होता है 1000 किलोग्राम, 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। तो 7 टन का मतलब क्या हो गया 7 टन मतलब 7000 किलोग्राम। तो उस ट्रक का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 7000 किलोग्राम इनटू त्वरण, अभी आपने फाइंड किया त्वरण कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका जो बल है वो कितना होगा 14000, और मात्रक क्या हो गया देखिए 7000 किस में है किलोग्राम में, दो मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो गया 14000 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है, पत्थर 50 मीटर की दूरी को तय करता है और उसके बाद क्या होता है रुक जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बल पूछा है, तो बल इज इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, गति के दूसरे नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है MA। यहाँ पे आपको द्रव्यमान गिवन है, आपको द्रव्यमान का जो मान है वो कितना गिवन है 1 kg। क्या आपको क्वेश्चन में त्वरण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है जिससे हम त्वरण क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पत्थर को किस वेग से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग जो है पत्थर का वो क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद पत्थर के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट्स 50 मीटर, उसके बाद फाइनल वेग उसका जो अंतिम वेग है वो आपको गिवन है कि पत्थर जो है वो 50 मीटर की दूरी को तय करने के बाद क्या होता है रुक जाता है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग जो है वो कितना गिवन है 0, मतलब 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रारंभिक वेग गिवन है, आपको अंतिम वेग दिया गया है और दूरी आपको दी गई है, त्वरण यहाँ से हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा संबंध यूज करेंगे, गति का तीसरा नियम। तो देखिए गति का तीसरा नियम क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस u आपको कितना दिया है 20, तो क्या आएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस कितना गिवन है आपको 50 मीटर,
50 मीटर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 50 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 100 ए इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। ए इज इक्वल टू आपको देखिए, ए इज इक्वल यहाँ पे क्या होगा माइनस, ए इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिला 400/100 माइनस, तो आपका फाइनल जो त्वरण है वो क्या आ गया माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम पत्थर पे लगने वाले बल का जो मान है वो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, घर्षण बल का जो मान है वो यहाँ से क्या होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम आपको गिवन है 1 kg और ए आपका कितना आया माइनस का 4। तो फाइनली बल जो है वो कितना आ गया 4 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पे क्या करता है खींचता है। तो यहाँ पे इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, यदि पटरी 5,000 न्यूटन का बल लगाती हो तो हमें नेट त्वरण बल यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको पूछा है रेल का त्वरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या पूछा गया है रेल का नेट त्वरण बल, क्या पूछा है नेट त्वरण बल। तो स्टूडेंट्स नेट त्वरण बल मतलब कुल त्वरण बल जो है यहाँ पे वो क्या होगा रेल रेल का बल, रेल का रेल के द्वारा लगाया गया बल माइनस क्या होगा घर्षण बल, माइनस घर्षण बल। तो रेल के द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुल बल पूछा गया है, तो कुल बल का मतलब रेल कितना बल लगाती है और उसके विपरीत कितना बल लगता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रेल के द्वारा लगाया गया बल और माइनस क्या करेंगे कितना घर्षण बल वहाँ पे पटरी के द्वारा क्या किया जाता है लगाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे नेट त्वरण बल। तो रेल के द्वारा लगाया गया जो बल है स्टूडेंट्स वो आपको गिवन है 40,000 न्यूटन, इंजन का जो बल है वो कितना है 40,000 न्यूटन माइनस घर्षण बल। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, घर्षण बल आपको गिवन है 5,000 न्यूटन। तो नेट त्वरण बल का जो मान है वो क्या हो गया 35,000 न्यूटन, कितना हो गया 35,000 न्यूटन। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है रेल का त्वरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका वो क्या पूछा है आपको रेल का त्वरण। तो यहाँ से आपको बल का मान दिया गया है और रेल का जो द्रव्यमान है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ से हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका यूज़ क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको बल गिवन है, द्रव्यमान दिया गया है, त्वरण आपको यहाँ से क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, त्वरण हम यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, एफ इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है, अभी आपने फाइंड किया कुल बल जो है वो कितना है 35,000 न्यूटन, कितना है 35,000 न्यूटन। यहाँ पे आपको ये गिवन है कि रेलगाड़ी में कितने डिब्बे हैं 5 डिब्बे हैं, एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया है आपको 2000 किलोग्राम। तो एक डिब्बे का द्रव्यमान जब 2000 किलोग्राम है तो 5 डिब्बों का क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान क्या हो गया 10,000 kg। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे ए का, तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या आया 10 × a इज इक्वल टू कितना आया 35। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 35/10। अब जीरो हटाएंगे तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा फाइनली आपका रेल का त्वरण। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, कितना है 1500 kg। आपको गाड़ी का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया है 1500 किलोग्राम। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, मतलब आपको त्वरण कितना दिया है 1.7
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, त्वरण दिया गया है। तो आपको ये पूछा है कि गाड़ी को रोकने के लिए, उसको विराम अवस्था में लाने के लिए आपको कितना बल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है एम ए। बल आपको क्या दिया है, बल बराबर क्या होता है एम ए। देखिए स्टूडेंट्स, त्वरण जो है उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों होगा ऋणात्मक, क्योंकि जब त्वरण बल की दिशा में होता है तो पॉजिटिव, और बल की दिशा के विपरीत होता है तो क्या उसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे गाड़ी जब आगे की दिशा में गतिमान है तो उसको रोकने के लिए हमें विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बल अप्लाई करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो त्वरण हमें कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, जो आपको दिया भी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बल हम निकाल सकते हैं, बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान आपको दिया है कितना, 1500 kg, इंटू त्वरण आपको दिया है माइनस का 1.7। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 7 जा 105, कैरी कितना आ गया 10। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 10 से करेंगे तो क्या आ गया 25, 20 आ जाएंगे। पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के लगेगा स्टूडेंट्स, 1 डिजिट छोड़ के लगेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, माइनस का 2550, और किस में आ गया, न्यूटन में। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रेंड्स, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु, क्या कह रहा आपको, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है वो क्या है, वी है। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या है स्टूडेंट्स, वी है। तो उसका संवेग आपको यहाँ पे पूछा है, तो संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और संवेग बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, आपके पास संबंध क्या आएगा, यदि आपको किसी वस्तु का वेग दिया है और उसका मास, उसका द्रव्यमान आपको दिया है, तो संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणा वेग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आगे आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पे क्या किया जाता है, धकेला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बक्से पर लगने वाले घर्षण बल का मान आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लकड़ी के बक्से पर कितना बल यहाँ पे लगाया जा रहा है, 200 न्यूटन का बल यहाँ पे आरोपित किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 200 न्यूटन का बल जो बक्से पे लगाया जा रहा है वो घर्षण को संतुलित करने में क्या होता है, काम में आता है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 200 न्यूटन का बल किसके लिए काम में आ गया, घर्षण को संतुलित करने के काम में आ गया। तो बल का कोई भी भाग यहाँ पे शेष नहीं बचा जो त्वरण उत्पन्न कर सके। तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे कोई भी भाग नहीं बचा, क्योंकि उसका वेग जो है वो क्या है, नियत है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि आरोपित बल है वो ही किसके बराबर होगा, जो बक्से पे बल लगाया जाता है वो आरोपित बल ही किसके इक्वल होगा, घर्षण बल के इक्वल होता है। तो घर्षण बल यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जितना बल आप बक्से पे लगाओगे उतना ही बल क्या होगा, घर्षण बल का मान होगा। तो घर्षण बल का मान क्या होगा, 200 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान आपको कितना गिवन है, 1.5 kg। मान लिया एक वस्तु ए है जिसका द्रव्यमान कितना आपको गिवन है, 1.5 kg। दूसरी वस्तु यहाँ पे मैंने बी बी माना है, और इसका द्रव्यमान भी आपको कितना गिवन है, 1.5 kg। दोनों का द्रव्यमान आपको क्या दिया है, इसमें सेम दिया है। एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करती हैं, गति करती हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करती हैं, आमने सामने गति करती हैं। तो यहाँ पे टकराने से पहले प्रत्येक का जो वेग है यहाँ पे वो क्या है, प्रत्येक का वेग मतलब प्रारंभिक वेग आपको दिया है, ए का जो वेग है वो कितना दिया आपको, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। प्रत्येक का जो वेग है वो दोनों का क्या है, सेम है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों वस्तु में क्या है,
विपरीत दिशाओं में गतिमान है, तो यहाँ पे वेग जो है दूसरी वस्तु का वो क्या होगा, माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि इनकी टक्कर के बाद जब ये वस्तुएं आपस में क्या होंगी, टकराएंगी, तो टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उनका फाइनल वेग जो है वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू क्या होता है, MA VA प्लस MB VB। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है आपको, टक्कर से पहले का संवेग इज इक्वल टू होता है टक्कर के बाद का संवेग। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये कह रहा है कि टक्कर से पहले स्थिति कैसी थी, ऐसी थी, लेकिन टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, MA प्लस MB। और जब जुड़ जाएंगी, दो वस्तुएं जुड़ करके एक हो जाती हैं, तो फाइनली दोनों का वेग भी क्या होगा, वी। दोनों यहाँ पे दो नहीं कह सकते हम इनको, अब क्या कहेंगे हम, दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वस्तु, और उसका फाइनल वेग जो है वो क्या है, वी है यहाँ पे। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ MA VA VUA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA प्लस MB इंटू वी। तो यहाँ पे आपको वी क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। आपको MA की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 1.5, इंटू UA आपको कितना गिवन है, 2.5, प्लस MB कितना है, 1.5, इंटू UB आपको गिवन है माइनस का 2.5 इज इक्वल टू MA आपको गिवन है 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया, एंड V आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मान जो है आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, लेकिन ये माइनस का और ये किसका, प्लस का, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या आया, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू वी। वी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, 3 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 0। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर जो है, वेग आपको कितना प्राप्त होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।